सो गाइस हम रेडी हो गए हैं, ये देखिए। और बाबू की ड्रेस भी निकल चुकी है, मेरी भी निकल चुकी है। और इसको खोलना है, पहले मैं अपने कपड़े निकाल लूँ फिर उसके बाद खोलती हूँ। तो इसको खोलना, अभी थोड़ी देर के बाद हम खोलेंगे। तो आई मेकअप कितना प्यारा हुआ है ना, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है गाइस। ये देखिए हम रेडी हो गए हैं, और अभी मैंने ये वाली इयररिंग्स डाली हुई है और ये वाला लॉकेट। तो थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हूँ कि ये वाली इयररिंग्स मैं पहनूँ कि कहाँ गया। अगर ये पहनूंगी तो इसके साथ तो फिर मुझे ये वेयर करना ही पड़ेगा, इसीलिए ये देखो। अब आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं, जल्दी जल्दी से कमेंट करके। मनीष शीशा ले आ, शीशा का तो मनीष। तो ये वाली, इसके साथ मैंने ये वाली इयररिंग डाल ली, ये देखिए। और ये वाली अभी मैं कंफ्यूज हूँ, अगर मुझे लग रहा मैं ये पहनूं तो मैं इसको निकाल दूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा अभी, देखते हैं। इसके साथ हमने ये वाली डाल ली है, तो अब आप लोग बताइएगा वीडियो में देखकर कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, किस तरीके से हम वेयर करें। तो बस चलिए हम निकलते हैं, आउटफिट दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है गाइस। ये रहा हमारा पूरा आउटफिट, कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है ना। और ये फ्रिल वाली साड़ी आप लोगों को मैं बता दूं कि जल्दी इसका रिव्यू मैं करूंगी, आप लोग भी देखिएगा, बहुत ही अच्छी है, आप लोगों को भी ज़रूर बाय करना चाहिए। काफ़ी मतलब लेटेस्ट है, डिज़ाइन विज़ाइन इसकी इतनी ज़्यादा प्यारी है, बिल्कुल यूनिक टाइप की, यू नो, काफ़ी अच्छी लग रही है, क्या बताऊँ मैं। और इसके साथ जो मैंने मीशो से ज्वेलरी मंगाई थी, ये ज्वेलरी मेरे काफ़ी ज़्यादा काम में आ गई, सब के साथ काफ़ी अच्छे से जाती है। जो मेरी सीक्वेंस वाली है ना, उसके साथ भी काफ़ी अच्छे से चली जा रही थी, तो वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। तो चलिए अभी आप लोगों से मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, मैंने अपना आउटफिट दिखा दिया ना आप लोगों को। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं, ये देखिए कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। अभी सब आ रही है, देखिए आपके भैया जीजू कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर, है ना, बताइएगा ज़रूर। जोड़ी कैसी लग रही है मियाँ बीबी की। और मन्नी आओ, आ जाओ मन्नी अपने पसंद से, बाबू अपने पसंद से। तो बाबू का तो मेरा मन था ये पहनाने का, लेकिन बाबू अपने पसंद से ही पहनी है, ये देखिए। मम्मा बाबू मैचिंग मैचिंग, उठा लो थोड़ा सा, उठा पाओगे कर जाएगा। अरे नहीं, ये देखो मम्मा बाबू मैचिंग मैचिंग, और मन्नी अनमैचिंग, मतलब कॉम्बिनेशन अलग अलग है। ब्लू और ये अच्छे से जा रहा है, और रेड रेड अच्छे से जा रहा है, मैरून, है ना। कैसे लग रहे हैं पूरी फैमिली, हाय करो। चलिए अब हम निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर हम, ये देखिए बारात आ चुके हैं, और हमें यहीं से बारात के साथ ही जाना है। और अभी अब मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानती हूँ, सिर्फ जो इनके दोस्त हैं मनीष उन्हीं को जानती हूँ, देखते हैं चलते हैं। वैसे साथ में जाना है और क्या, डांस वांस तो करना नहीं है क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक है, और मेरे से हो भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा मस्ती हो रही है, लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, इतनी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बाबू को भी देखिए, साइड में दिख रही होगी, लेफ्ट साइड में बिल्कुल देखिए, काफ़ी मस्ती कर रही है, वो भी खुश थी, मतलब आगे आगे मुझे, मेरा हाथ में उसका हाथ पकड़ी थी, मुझे घसीट कर लिए जा रही थी। और ये रहा होटल जहाँ पर हमें जाना है, तो सभी खूब मस्ती इंजॉय कर रहे थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे भी देखने को। तो बस मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाते, बनते ही बनता है ना। और देखो कितनी ज़्यादा मस्ती हो रही है, और इसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती हूँ, लेकिन कोई मेरे अंदर जान पहचान का मिल गया था, तो फिर मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था। जब आप अकेले बैठे रहो तो थोड़ी सी बोरियत फील होती है, और ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लगे कि कोई आपको जलाए या कुछ भी हो। अगर आप किसी को जानते हो तो जलाने वलाने का फिर तो कोई काम ही नहीं होता है ना। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और अब हम यहाँ पर, ये देखिए हमने आपको भी थोड़ा सा अपना लुक दिखा दिया, और इसके बाद हमने जैसा बताया था ना आपको भी, टेक्निक जैसा मैंने आपको बताया था ना कि अंदर, ये देखिए बाबू से मैं बोल रही थी कि बाबू हाय करो हाय करो, तो फिर ये बाबू हाय नहीं कर रही थी। और यहाँ पे हमें मिल गई थी दो भाभी, तो जो मैं, जिनको मैं जानती थी, लेकिन फिर मैंने उनसे बोला कि कैमरे में लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है कि यार आप किसी को भी ना पूछे कैमरे में ले लो और फिर यूट्यूब पर डाल दो, बहुत लोग बुरा भी मान जाते हैं, है ना। तो फिर मैंने उनसे बोला कि भाभी क्या हम आपको कैमरे में अपने कैद कर सकते हैं, तो कहीं हाँ बेशक।
इसके बाद हम मियाँ बीबी क्लोजअप फोटो खिंचवा रहे थे, तो मन्नी यहाँ पर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग क्लिक करने लगी, तो मैंने कहा आ जाओ रिकॉर्डिंग कर रही हो, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी फ़ोटो दोनों कर लेना। तो उसने बस रिकॉर्डिंग ये की और फ़ोटो नहीं क्लिक की। और यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को भाभी से मिलवा रही थी, मैंने बोला पुच्ची उच्ची दे दो, तो वही हाय कर रही थी। और वहाँ पर मैं बोल रही थी कि ये देखो भाभी, ये वाली भाभी फ़ोन पे बात कर रही हैं, क्योंकि सॉन्ग चल रहा था डीजे और उस पर कॉपीराइट आ जाता ना, तो इसलिए वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी वहाँ पे। लेकिन जहाँ जहाँ पे मुझे मौका मिला वहाँ वहाँ पर मैं वॉइस ओवर की हूँ। और दोनों भाभी हैं यानी देवरानी जिठानी हैं, बहुत ही अच्छे से रहती हैं, और ये चीज़ें होनी चाहिए, देवरानी जिठानी को ऐसे मिल के रहना ही चाहिए कि ना देवरानी देवरानी सी फील हो ना जिठानी जिठानी सी फील हो, बहनों की तरह रहना चाहिए। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आईं और काफ़ी अच्छा लगा, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। आप इस तरीके से मिलजुल के रहते हो सबके साथ एक फैमिली की तरह ना, तो बहुत ही अच्छी लगती। और ये रही हमारी कॉफ़ी, तो चलिए पी लेते हैं। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता करने के लिए भी हमने जस्ट टमाटर खाया हुआ है, और ये देखिए बाबू चलो हाय बोलो, हाय बोलो। बाबू नाश्ता कर चुकी है, क्या नाश्ता किया बताओ? बताओ ये देखो लड्डू खाना है, लड्डू खाना बोलो आ जाएगा, लड्डू बोलो इससे बोली लड्डू आ जाएगा, बोलिए बुलाओ मंगाओ और लड्डू। और इधर देखिए अकेली अकेली कॉफी पी ली, अकेली अकेली चाय बोलो हाय है ना। नहीं मैं खा चुकी हूँ, सबसे पहले मैं ही मिली थी, अब जा रही दोबारा लेने है ना। और ये देखिए यहाँ पर बाबू की मस्ती चल रही थी, वो बार बार स्टेज पे जा रही थी, उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन मन्नी जो है ना नहीं जाने दे रही है। इससे पहले हम एक और एक क्या बोल रही हूँ यार, एक और शादी में गए थे कुछ दिन पहले, वो वहाँ पर जमकर जाकर स्टेज पर बैठ गई थी। और आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, जब वहाँ पर दूल्हे राजा जाकर बैठ गए, तो क्या बोलती है मम्मा, मन्नी दीदी हमें नहीं बैठने दी, और वो लड़का जाके बैठ गया। मम्मा वो दीदी हमें नहीं बैठने दी, वो लड़का जाके बैठ गया। तो मैंने कहा बाबू वो लड़का नहीं है, वो दूल्हे हैं, दूल्हे को तो वहाँ बैठना ही बैठना। कह रही नहीं हमें बैठना है, लड़का नहीं बैठेगा। अब देखो परेशान है और काफ़ी मस्ती कर रही थी, काफ़ी खुश है। जब वो इस तरीके से इस जगह पर पहुंच जाती है तो खूब सारा एंजॉय करती है, खेलती है, मस्ती करती है, और उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस तरीके से। मतलब अगर आप उसे रोज़ शादी में ले जाओगे ना तो रोज़ ही जाएगी। और हम लोगों ने मिक्स एंड मैच ड्रेस भी पहनी हुई आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। और ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना, जहाँ पर ब्राइडल के लिए बैठाने के लिए स्टेज जो सजाया गया, काफ़ी अच्छा लग रहा था, न्यू था, बिल्कुल लेटेस्ट था। और काफ़ी मस्ती कर रही थी बच्चों लोगों के साथ, ये देखिए सारे बच्चे लोग हैं ना, तो इन लोगों के साथ ये खूब सारी मस्ती की है, खूब सारा एंजॉय की है। और हम लोगों को लेट भी काफ़ी हो गया था, आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। और यहाँ पे दूल्हे राजा ने भी खूब सारा डांस किया था, लेकिन हम काफ़ी दूर थे तो उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, ये देखिए डांस चल रहा था रुक रुक कर, और दूर था ना, तो जब अच्छे से डांस कर रहे थे तो भीड़ लग जा रही थी, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था। और दूल्हे का डांस तो देखते बनते ही बनता है ना, सबको पसंद है दूल्हे जी का डांस। तो बस यहाँ पर वही सारी बातें हो रही थी। और ये जो शायद हैं कोई उनके, मतलब उनके ससुराल के तरफ के हैं शायद, जो डांस कर रहे हैं साथ में, तो ये देखिए खूब सारी मस्ती हो रही थी ना। मैंने जैसा बताया ना, जब डांस हो रहा था तो भीड़ लग जा रही थी, तो रिकॉर्ड करना मुश्किल था, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और हर जगह मैंने वॉइस ही ओवर की है, आप लोग भी बोलोगे दी आज तो पूरा ही वॉइस ओवर कर दी। अभी थोड़ी सी मैंने बात भी की आप लोगों से, तो सुनिएगा है ना। और यहाँ पर हम भाभी सब लोग जो हमने बताया जैसा वहाँ पर हम मिल गए थे, तो वही हम लोग बात कर रहे थे, और ये पीछे बैठे हुए थे, और हम लोग हाय हेलो सब कुछ कर रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा फ्रंट कैमरे से भी अपने भी वीडियो शूट कर लो, क्योंकि नई नई साड़ी पहनी हुई थी, ये साड़ी अभी मैंने फर्स्ट बार ट्राई की है। और पीछे से आपके जीजू भैया नंदिनी जी जीजू हैं आपके, मुझे पता है, लेकिन क्या है कभी कभी निकल जाता है ना कि भैया, तो वही है प्रॉब्लम कि कोई भैया बोलता है कोई जीजू बोलता है तो फिर मुंह से निकल जाता है। मैनेज कर लिया करो यार, जो मुंह में आता है सो बोल देती हूँ। और भाभी की तो सेल्फी सेल्फी चल रही थी, वो सेल्फी ही ले रही थी अपनी खूब सारी। तो अभी हम थोड़ी सी बात भी कर
करेंगे आप लोगों से, ठीक है। गाइस जस्ट अभी हम बैठे हुए हैं और अब आ रही है दुल्हन, दूल्हा स्टेज, दूल्हे जी, दूल्हे राजा स्टेज पे जा चुके हैं, है ना, और दुल्हन का वेट कर रहे हैं, दुल्हन अभी आएंगी। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि अभी कॉपीराइट नहीं आएगा, साउंड बंद हो चुका है, तो मैंने कहा थोड़ी सी वॉइस ओवर कर देती हूँ, बस आपको बता देते हैं। साड़ी का आउटफिट नहीं दिखा पा रही थी मैं आप लोगों को, अभी दिखाऊंगी, जाते जाते तो दिखा ही दूंगी। और आपके पीछे भैया पीछे बैठे हुए हैं, ये देखिए। तो चलिए अभी आप लोगों से हम मिलते हैं, आ जाइए। तो कह तो रहे आ जाइए, मना थोड़ी ना किए हैं, मिल लीजिए भाई इनके दोस्त से, अंकित से मिला, दोस्त कौन है। और यहाँ पर क्या हो गया था ना कि गाना साउंड आ गया था, तो मैंने कहा कॉपीराइट आ जाएगा। ये इनके बेस्ट फ्रेंड है और जिनकी शादी है वो भी इनके बेस्ट फ्रेंड है, यानी तीनों बेस्ट 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 फ्रेंड है। और सॉन्ग चल गया था तो मैंने यहाँ पे वॉइस बंद कर दिए, तो आप लोग मिल लीजिए, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है इनकी। और मैंने कहा चलो आप लोगों को भी मिलवा देते हैं, और ये अभी आए हैं, इनको अभी फुर्सत मिली है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी। इस यहाँ पर ये देखिए दुल्हन की एंट्री हो रही है, दुल्हन की एंट्री काफ़ी धमाकेदार थी, और जिन्होंने चोकर सिल्वर नेकलेस पहना हुआ आप देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और जो दुल्हन की एंट्री हुई थी देख लो, लोग चुन्नी छोड़ छोड़ के चले जा रहे थे, जो भी इनके हों भैया जो भी हो मुझे नहीं पता। और इनका जो मेकअप हुआ था, आउटफिट इतना ज़्यादा प्यारा वाला था, और ये खुद ही इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मतलब इनका मेकअप तो माइंड ब्लोइंग था। ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी थी, सिंपल सोवर और इन मतलब अच्छी क्वालिटी के दिख रहे थे, दूर से इतने ज़्यादा शाइन कर रहे थे, दिख रहे थे कि काफ़ी अच्छे हैं। और जहाँ से इन्होंने मेकअप करवाया है उनकी तारीफ तो करते बनते ही बनता है, इतना प्यारा मेकअप किया है, ना ओवर और ना ही लो, मतलब ज़्यादा नहीं कम भी नहीं, इतना खूबसूरत हुआ। और मैं काफ़ी दूर से वीडियो बना रही थी, फिर भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। अभी आप पास से देखिएगा पूरा आउटफिट इनका, और 1:30 बजे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, आपको विश्वास होगा खर्राटे की आवाज़ आपके भैया की आ रही होगी, सभी लोग घर में सो चुके हैं, और मैं बस इस वीडियो को एडिट करूँगी और सो जाऊँगी। तो ये रहा देखिए इनका पूरा आउटफिट कैसी लग रही, बहुत ही प्यारी लग रही है ना, मुझे खुद ही बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, और क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। और अभी दूल्हे राजा जी इनको हाथ पकड़ कर ऊपर ले जाएंगे, सबसे स्पेशल मोमेंट होता है ये, तो क्या मैं बोलूँ, जितनी तारीफ़ करो ना ये मोमेंट की कम है। तो अभी हम लोगों ने डिनर भी नहीं किया, उस टाइम भी लगभग 1:30 बज रहे थे, तो हमने कहा कि चलो अब डिनर कर लेते हैं, जयमाला हम लोग नहीं देख पाए, भूख भी लग रही थी बच्चों को इसी वजह से, तो हम लोग डिनर करने चले गए थे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे क्या हमने लिया है, मंचूरियन, फ्राई राइस और चाउमीन सलाद, बस इतना। तो चलिए थोड़े से फ्रंट कैमरे से भी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। हम करने जा रहे हैं डिनर, किधर बैठा दे, आ जाइए यहाँ पर बैठिए, बैठो नहीं करो। और डिनर में हमने देखिए क्या लिया, सिर्फ मंचूरियन, फ्राई राइस, चाउमीन और बाबू के लिए। मम्मा खिला देंगे आपको, इसके लिए चलेगा। ये देखो क्या पहनी हो, क्या पहनी हो, वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल मत करना बोल रहे हैं, देख लो भाई, हाँ सब्सक्राइब भी मत करना। लो पहली बार ऐसी मिली है जो मतलब कोई ऐसा होगा यूट्यूबर जिनके ये बोला गया, देख लो कुछ नया देखने को आप लोगों को मिला मिलेगा इस वीडियो में, है ना। हम भी नहीं देखे, हम पहली बार देखे कि कोई वीडियो बना रहे, हमने कभी बनाई नहीं, ना यूट्यूब बना भाई, मेरी बैटरी खत्म हो जाएगी लेकिन इनकी पक पक खत्म नहीं होगी। तो चलिए हम कर लेते हैं डिनर, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय बाय, कुछ नया देखने को मिले, एक बार की वीडियो में आप लोगों ने ये देखा होगा ना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, लेकिन इनका कुछ अलग ही है। तो अब हम कर लेते हैं डिनर हमारा, बाबू यहाँ पर बैठी हुई है, क्या कर रहे हो बाबू, डिनर, तो चलिए कर ले।
लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइस ये देखिए डेकोरेशन कितनी ज़्यादा अच्छी वाली थी ना, काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन हुई थी। और यहाँ पर वो सामने बैठकर अपने दोस्तों के साथ खा रहे थे, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मुझे भाभी मिल गई थी, तो मैं उन्हीं के साथ बैठ के खा रही थी। और यहाँ उनके कुछ दोस्त पहचान पहचान के थे, और बाबू इतनी मस्ती कर रही थी, इतनी मस्ती कर रही थी, आप खुद ही सुनिए इसकी मस्ती। अच्छा बाबू इसको खाओ ना, जहाँ उसको नहीं खा रही है। ये खाइए जहाँ है ज्यादा, जहाँ इसको इसमें चम्मच डालो, इसमें 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 नानी को भेजी मम्मा, खा लो जब तबीयत खराब होगी तो पता चले खाओ, तुम भी खा लो, खा लो खा लो, पहले जो खाओ में थे। हाँ हाँ देखो सब अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, बहुत चालू और कुछ भी खाया है हमका सुनिंग का बोली है। तो गाइस डिनर हो चुका है हमारा, और अभी मन्नी खा रही है, और उसके खाने के बाद ही हमें निकलना है। उससे पहले हमने कहा कि चलो थोड़ी सी फ़ोटो वोटो क्लिक करवा लेते हैं। और बस यहाँ पे ये मेरा पूरा आउटफिट दिखा रहे थे, कहें कि लाओ तुम्हारी अच्छे से वीडियो बना लो। उस टाइम तो मैं अपना कैमरा सेट करके खुद से ही बनाई थी। और इसके बाद हम लोग चल देंगे, मतलब ये बोलेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग तुरंत निकल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा सा बैकग्राउंड था, पीछे बाबू इधर देखो बाबू, यहाँ पे बोले मेरी और बाबू की फोटो क्लिक करते थे, ये खड़ी ही नहीं हो रही थी। और एक कैमरे से मतलब इनके फ़ोन से मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी, और दूसरे वाले से रिकॉर्डिंग, और बाबू मस्ती कर रही थी, देख रहे हो आप ऐसे नहीं भागो, ऐसे नहीं भागो। उसके बाद ये बोली लाओ तुम्हारी क्लिक करे, तो हमने कहा एक से रिकॉर्डिंग करना और एक से फ़ोटो क्लिक करना, ये बाहर की एंट्री है। और यहाँ पे इस तरह से जब डेकोरेशन रहता है ना, तो फ़ोटो वोटो खिंचवाओ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। तो बस वही हम लोग यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे, और इसके बाद हम लोग तुरंत निकलेंगे। यहाँ से निकलने के बाद घर पर ही चलकर मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, क्योंकि रात भी ज़्यादा हो चुकी है, लेट भी हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। तो गाइस अभी अभी जस्ट हम घर आ चुके हैं, और मैंने ज्वेलरी उतार दी है, मंगलसूत्र हमारा डला हुआ है। हैं कितने लगभग एक बज चुके हैं, और मेरा मेकअप आप देख लो, आई मेकअप, लाइनर, सब कुछ वैसे ही है जैसा हम करके घर से गए थे, सेम वही कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा था मेकअप, बिल्कुल भी मतलब पैची ड्राई ये नहीं हुआ, और थोड़ा सा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, हमने कहा मेरे जो कल थे मैंने बोला था ना देर तक टिकेंगे, तो अभी ये धीरे धीरे ये देखिए खुल चुके हैं, इस तरीके से हो गए, लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे हैं। तो हमने कहा कि चलो अब हम कर देते हैं इस ब्लॉग का एंड, कि थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं। और अभी हम आपको टाइम दिखा देते हैं, एक मिनट, चलिए यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है तो मैनेज कीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए कितने बज रहे हैं, डेढ़, मतलब एक दस हो रहे हैं, एक दस हो रहे हैं, और हमें करना है इस ब्लॉग का एंड। तो अब हम मिलते हैं आप लोगों से कल अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बाय।